Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is कामनी सिंह एंड ये मेरा होली मेकअप लुक है जो कि मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका है, बट फिर भी जिन्होंने चेकआउट नहीं किया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा होली लुक मेरा. और राइट, इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ होली के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए एंड आपके बॉडी के लिए. काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि मुझे बतानी है, कुछ टिप्स हैं होली पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करूंगी. एक टिप्स होगा जो कि आप होली के लिए जा रहे हो, होली खेलने के लिए जा रहे हो उसके लिए होगा, और फिर होली खेलने के बाद आप क्या करो ताकि आपके स्किन और हेयर काफ़ी अच्छे से रहे एंड यू नो कोई हार्म ना हो आपके स्किन को. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद द नेल्स, अगर आपके बड़े बड़े नेल्स हैं तो मैं ये कहूंगी कि होली के दिन आप उसे ट्रिम कर लो, एंड क्योंकि उसमें कलर्स फंसने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है जो कि आपके स्किन को, आपके नेल्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाला. बट अगर आप नेल्स ट्रिम नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो वैसलीन होता है कोई लचीला प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है जिससे कि कलर्स आपके यू नो ऊपरी परत पे ही रहे, आपकी स्किन तक ना पहुंचे. तो उसके लिए आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो जिसे आप नेल्स में नेल्स के अंदर यू नो टकिन पूरा फिल करना है, एंड उसके बाद आपको चारों तरफ अपने नेल्स के ऐसे ऐसे मसाज देना है वैसलीन से, ताकि जो भी कलर्स है वो लचीलेपन के वजह से जो भी कलर्स है वो निकल जाए. नेक्स्ट, जहाँ तक क्लोथिंग की बात है तो आपको कॉटन क्लोथ्स ही यूज़ करने चाहिए होली पे, बिकॉज आप होली खेलने जा रहे हो. तो अगर रेयन या फिर डेनिम्स, मैं ये कहती हूँ कि डेनिम्स भी आप वेयर मत करो बिकॉज भीगने के बाद डेनिम्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं. सो डेनिम, रेयन या फिर अलग तरीके का कोई भी लेकरा, ये सब फैब्रिक का क्लोथ्स आप अवॉइड करो, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो फिर यू नो रैशेज होते हैं उससे आपके स्किन पे. सो जितना हो सके उतना आप कॉटन क्लोथ्स ही यूज़ करो होली के दिन. नेक्स्ट, अपने नेल्स को एक डार्क नेल पेंट से, डार्क कलर से पेंट करो, बिकॉज मैं हल्के लाइट कलर इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज फिर उससे क्या होता है कि कलर्स कहीं ना कहीं आपके स्किन पे रह जाएंगे, आपके नेल्स पे रह जाएंगे. सो डार्क कलर क्या होगा कि यू नो आपके कलर्स आपको नहीं दिखेंगे नॉर्मल डेज में, सिर्फ होली के दिन ही वो दिखेंगे और नॉर्मल डे में वो एकदम हट जाएगा. सो या डार्क कलर ही आप सुंदर सी डार्क कलर लगा लो कोई, और काफ़ी हैवी मेकअप मत करो. मैंने भी जो मेकअप लुक आपको दिखाया है वो भी काफ़ी हैवी नहीं है. सो हल्का फुल्का मेकअप इज इनफ. सो हल्का फुल्का मेकअप करो, ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत है ही नहीं. वैसे भी होली में आपका मेकअप तो दिखने वाला है नहीं. ओके, होली का टाइम ऐसा है कि कितनी लड़कियां चाहेंगी कि हम थोड़ा सा वैक्स करा लें, थोड़ा सा ब्लीचिंग करा लें. नो, प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप होली से पहले ही, कुछ दिन पहले से ही आप इस चीज को ध्यान रखो, आपको वैक्सिंग और यू नो ब्लीचिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी स्किन और भी ज्यादा सेंसिटिव होगी, और सेंसिटिव स्किन पे अगर कलर्स जाते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये बहुत ही बड़े यू नो स्किन एलर्जीज को दावा देना हुआ. सो प्लीज अवॉइड दिस. होली में आपको आपके जो हेयर है उसका भी ख्याल रखना काफी जरूरी है, बिकॉज उसको भी हार्म होता है. सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरा अपने हेयर को टाई अप कर लेना है. मैंने तो वीडियो के लिए यू नो ऐसा हेयर स्टाइल किया है, बट फिर भी आप देख रहे हो मैंने पूरा खुला नहीं किया, हाफ मैंने यू नो टक इन कर लिया है. सो आपको कोशिश करना है कि आपको अपने हेयर को काफी यू नो टाई अप करना है, एक बहुत ही सुंदर सी पोनी टेल बना लो. सो ये काफी अच्छा जाएगा, नहीं तो कोई भी मैसी सा हेयर बन बना लो, ये काफी अच्छा रहेगा होली के टाइम. इससे क्या होगा कि आप ज्यादा कलर्स आपके हेयर में नहीं जाएंगे, और प्लस आपके हेयर ज्यादा यू नो मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप अपने हेयर को वॉश करने में. होली खेलने जा रहे हैं, शौक से जाइए, बट इससे पहले आप अपने स्किन का केयर करना मत भूलिए. उसके लिए आप क्या करो अपने फेस के लिए कि आप दही आपके घर में होगा ही, नहीं होगा तो एक दिन पहले जमा लो, एंड दही जो होता है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके चेहरे पर ग्लो एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए.
दही को, दही से आप मसाज कर लो होली में, होली खेलने जाने से पहले। अगर दही नहीं है, इन केस दही नहीं है, तो दूध का जो मलाई होता है उससे मॉइस्चराइज कर लो। इससे क्या होगा कि आपका चेहरा मॉइस्चराइज भी रहेगा, ड्राई नहीं लगेगा, और जब आप खेल के आओगे उसके बाद जो कलर्स उस पे रहेंगे वो भी इजिली रिमूव हो जाएंगे, आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो आपको जितना हो सके खुद को ढक के रखना है, लेकिन अब पूरा पूरी ढक के मत रखो, बिकॉज फोटोज भी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि जो भी एक्सपोज एरिया है वहां पे आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, ताकि ये सेम है जैसे कि मैंने कर्ड का बताया वैसे ही है, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो कि मेकअप रिमूवल में काफी यूजफुल रहता है, तो कलर भी काफी अच्छे से रिमूव कर पाएगा। सो उसे लगा कि आप चले जाओ एंड जब आप वापस आओ तो काफी इजीली आप रिमूव कर सकते। ओके, अगर आप जा ही रहे हो होली खेलने, तो मैं एक छोटी सी चीज कहूंगी कि आप जरूर कैरी कर लो, वो है रोज वाटर, प्योर रोज वाटर। आप शॉप से ले लो या फिर सबके पास रहता है रोज वाटर, अपने साथ छोटी सी बोतल अपने साथ कैरी कर लो। उसका यूज क्या है कि कितनी बार ऐसा मोमेंट आता है कि काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं लोग आपको कलर लगाने के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें ये एक गलती होती है कि आपकी आंखों में कलर चली जाती है। सो उस मोमेंट पे आप क्या करो कि हल्की सी रोज वाटर अपने आंखों में डाल लो, एंड वो क्लियर हो जाएगा, आपको ब्लर नहीं लगेगा कुछ भी, एंड एकदम क्लियर फोकस होगा आपकी आईज का, क्लियर फोकस होगा एंड कुछ भी रिएक्शंस नहीं होंगे। तो रोज वाटर काफी यूजफुल है, अपने साथ जरूर कैरी कर लो। ओके, नाउ आप होली खेल के वापस आ गए हो, उसके बाद का मैं बताती हूँ कि आप क्या करो कि आपको ज्यादा दिक्कत तकलीफ ना हो आपके स्किन को कलर रिमूव करने में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप होली खेल के आते हो तो काफी ज्यादा अपने फेस को रगड़ो मत, जो कलर से निकलना होगा इजिली निकल जाएगा। नहीं निकलता है तो उस जो भी अफेक्टेड एरिया है जहां पे भी कलर्स लगे हैं, वहां आप बेसन और कच्चे मिल्क का, मैं फिर से बता रही हूँ, बेसन और कच्चे मिल्क का पेस्ट लगा लो, या फिर थोड़ा देर रखो और जेंटली एकदम हल्के हाथों से उसे मसाज दो, ताकि जो भी कलर से वो इजिली निकल जाएंगे। नहीं होता है तो ऑलिव ऑयल, जो कि मेकअप रिमूवल में काफी यूज आता है, आप ऑलिव ऑयल लगा लगा के हल्के हाथों से उसे मसाज करो, एकदम हल्के हाथों से, उसे ज्यादा स्क्रब करना ही नहीं है, एकदम हल्के हाथों से, बिकॉज फिर क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा स्किन पे हार्म होगा। तो एकदम हल्के हाथों से आप उसे मसाज करो, जो भी कलर्स होंगे इजिली निकल जाएंगे। इन केस अगर आपको रैशेस आ भी गए हैं आपके चेहरे पे या फिर किसी भी एरिया पे आपके बॉडी के, अगर रैशेस आ भी गए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एलोवेरा लगा लो। आपके घर में एलोवेरा का होगा ही जो पेड़ पौधा होता है एलोवेरा, उसको आप हल्का हल्का छीलो, एंड अंदर की जो जेली निकलती है उसको आप, उससे आप हल्के हल्के मसाज करो जहां पे भी रैशेज हुए हैं, वो 100% गारंटीड एकदम सही हो जाएंगे। फॉर हेयर, अगर आपको आपको आपके हेयर्स में अगर कलर चले भी गए हैं तो मैं ये कहूंगी कि काफी अच्छे से वॉश कर लो, बट येस, उसे ज्यादा वॉश नहीं करना है, दो बार तीन बार नहीं वॉश करने की जरूरत है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो, ऐसा शैम्पू ले लो जो कि थोड़ा हार्ड हो, और उसे एक ही बार वॉश करो, थोड़ा हार्ड हो कलर्स निकालने में, एंड वो एक ही बार आप यूज करो अपने। इन केस अगर आपका हेयर काफी ज्यादा ड्राई लग रहा है तो कर्ड का मसाज आप ले सकते हो हेयर के टिप पे, स्कैल्प पे नहीं, मसाज दे दो, या फिर ऑलिव ऑयल का मसाज कर सकते हो जिससे कि आपका हेयर काफी स्मूथ हो जाए। कंडीशनर तो है ही, बट साथ में आप कर्ड भी यूज कर लो और ऑलिव ऑयल भी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स आप यूज करो अपने हेयर को नरिशिंग करने के। ओके, एक और चीज मैं बता दूं कि अपने फेस पे मेरे को ये चीज ऐड करनी पड़ी, बिकॉज काफी लोग होते हैं जो कि स्क्रबर यूज करने लगते हैं ताकि उनको लगता है कि अच्छे से निकल जाएगा कलर। नो, स्क्रबर से और भी ज्यादा हार्म पहुंचने वाला है आपके स्किन को, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी काफी सेंसिटिव हो चुकी है कलर्स एंड रगड़ रगड़ के, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है, उस पर अगर आप स्क्रबर यूज करोगे तो ये काफी ज्यादा हार्म करने वाली है आपके स्किन को। तो सो डोंट यूज स्क्रबर आप होली के टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं।
किसी स्क्रबर और किसी भी पदार्थ से अच्छा है कि आप एक चारकोल का पेस्ट ले लो, एक फेस मास्क आता है वो सब ले लो, हेयर मास्क भी आता है वो ले लो फेस और हेयर के लिए। चारकोल क्या होता है कि डर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, आपको पता ही होगा। सो कलर्स को भी काफ़ी अच्छे से वो रिमूव कर देगा। कर्ड एंड बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब करने के बाद एक फेस मास्क लगा लो। एंड जब ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अच्छी सी मसाज ले लो मॉइस्चराइजर से, एंड फिर यू विल फील द काफ़ी खुश लगेंगे आपके स्किन। सो या यही था मेरा होली टिप। सो आई होप कि आपको पसंद है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड एंड आई विश यू द वेरी वेरी हैप्पी होली। प्लीज सेलिब्रेट होली बट बी सेफ। ओके सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।